السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم कूफा की अदालत में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाबी बयान करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, एक नसरानी को देखा कि वो जिर्रें बेच रहा है। उसके पास अपनी एक गुमशुदा जिर्रा पहचान ली और कहा, ये मेरी जिर्रा है, चल मुसलमान काजी मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। मुसलमानों के काजी हजरत शुराय रहिमहुल्ला थे और हजरत अली मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मुमिनीन थे। काजी शुराय रहिमहुल्ला अमीरुल मुमिनीन हजरत अली को देखकर अपनी जगह से उठे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी जगह पर बिठाया और खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने नसरानी के बराबर बैठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शुराय, अगर मेरा मुद्दा अले मुसलमान होता तो मैं उसके साथ बैठता, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि गैर मुस्लिम से मुसाफा न करो, उनको सलाम में इब्तिदा न करो, उनके मरीजों की इयादत न करो, उनकी नमाज जनाजा न पढ़ो और उनको रास्ते में तंग जगह पर चलने पर मजबूर कर दो और उनको उसी तरह पर ख्वार समझो जिस तरह पर के अल्लाह ने उन्हें जलील रखा है। ऐ शुराय, मेरे और इसके दरमियान फैसला करो। शुराय रहिमहुल्ला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपका क्या दावा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये जिर्रा मेरी है, इतने अरसे से गुम हो गई है। शुराय रहिमहुल्ला ने कहा, ऐ नसरानी, तू क्या कहता है? नसरानी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इंतहाई गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये जिर्रा तो मेरी है। काजी शुराय रहिमहुल्ला ने कहा कि मैं नसरानी से ये जिर्रा कैसे ले लूं, गवाह तो कोई आपका है नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शुराय ने ठीक कहा। नसरानी ये देखकर बोला, अब मैं गवाही देता हूं कि ये अहकाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही के हैं कि अमीरुल मुमिनीन अपने काजी के पास आए और उनका काजी उनके खिलाफ फैसला दे। ऐ अमीरुल मुमिनीन, खुदा की कसम, ये जिर्रा आप ही की है, मैं आपके पीछे जा रहा था और ये आपके खाकस्तरी रंग के ऊंट पर से गिर पड़ी और मैंने इसे उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तू इस्लाम ले आया तो अब ये तेरी है और उसे घोड़ा भी अता फरमाया। शाबी इंदल हाकिम की दूसरी रिवायत में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंगे जमल में एक जिर्रा गुम हो गई थी, एक आदमी को मिल गई, उसने बेच दी। एक यहूदी के पास हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उस जिर्रा को पहचाना और काजी शुराय रहिमहुल्ला के यहाँ मुकदमा दायर किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके गुलाम कंबर रहिमहुल्ला ने दी। काजी शुराय रहिमहुल्ला ने कहा, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जगह कोई और गवाह लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शहादत को रद्द करते हो। काजी शुराय रहिमहुल्ला ने कहा, ये बात नहीं,
मैंने आप ही से सुनकर याद किया था कि लड़के की गवाही बाप की मुवाफकत में जायज नहीं। इब्राहिम की रिवायत में इस तरह है कि काजी शुराय रहिमहुल्ला ने कहा कि आपके गुलाम की गवाही तो मैंने बहाल रखी, लेकिन आपके बेटे की गवाही आपके लिए हो इसको मैं नहीं मानता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम करे, क्या तूने हजरत उमर को ये कहते हुए नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उसके बाद यहूदी से कहा, ले जिर्रा। यहूदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मुझे मुसलमानों के काजी की तरफ लाए थे, उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ फैसला दिया और वो राजी हो गए। खुदा की कसम ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अपने दावे में सच्चे हैं, बेशक ये आप ही की जिर्रा है, आपके ऊंट पर से गिर गई थी, मैंने इसको उठा लिया था। मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय खुदा ताला के कोई इबादत के काबिल नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जिर्रा उसी को हिबा कर दी और 700 दिरहम उसको बतौर इनाम दिए। फिर ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा और जंगे सफैन में शहीद हो गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो थे हजरत काजी अयाज शुरैह, जो बहुत बड़े काजी गुजरे हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें मुकर्रर किया था। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम वक्त हैं और काजी शुरैह उन्हीं के खिलाफ फैसला दे रहा है। देखें अदलिया कितनी आजाद थी, आज भी अगर अदलिया उसी नहज पर आ जाए, उसी तरह फैसले करने शुरू कर दे, तो खुदा की कसम हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। आज भी अगर हम दीन को फॉलो करें, दीन पर चलने लगे और अदलिया को आजाद छोड़ दिया जाए, तो आज भी वही बरकतें, वही इनामात हमें भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और मजीद इस तरह के मुस्तनद वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।